हाँ जी बाबा नहीं बनाएंगे प्रकृति को सत्व प्रधान, बाबा से कह रहे थे हम लोग कि हम लोग बनाएंगे सत्व प्रधान तो लोकल बनाएंगे सत्व प्रधान ना, बच्चे बनाएंगे लोकल बनाएंगे ना जहाँ रह रहे हैं वहाँ। हाँ जिसका जितना दायरा है याद का अपना अपना दायरा होता है, वाइब्रेशन का अपना अपना दायरा है, जो ज्यादा पावरफुल आत्माएं होंगी उनका दायरा बड़ा होगा, जो कम पावरफुल होंगी उनका दायरा छोटा होगा। इसी शिव बाबा है, परमधाम वासी है, तो ऊंचे ऊंची स्टेज में रहने वाला है। उसका अपना दायरा है, क्या दायरा है, बेहद का दायरा है। ऐसे नहीं कि बिंदी है तो कोई ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है। परमधाम ऊपर नीचे होता है क्या, होता है नहीं, पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस से भी परे चारों ओर परमधाम फैला हुआ है। तो ऐसे नहीं कि आत्माएं कोई ऊपर ही रहती है नीचे नहीं, नहीं, आत्माओं की अपनी अपनी दायरे की स्टेज है। शिव बाप समस्त आत्माओं को आवृत करके रहता है, उसके बाद है संपन्न स्टेज में पहुंचने वाला प्रजापिता। वो शिव बाबा को आवृत करके नहीं रह सकता, शिव उसकी पहुंच से परे है। बाकी जो भी समस्त ब्रह्मांड की आत्माएं हैं वो प्रजापिता की आत्मा समस्त आत्माओं को कवर करके रहते हैं। ऐसे ही और नंबरवार आत्माएं हैं, जैसे अष्टदेव, आठ नारायण, अपने अपने धर्म के धर्म पिताएं, अपने धर्म में पक्की रहने वाली सब आत्माओं को आवृत करके रहते। तो हरेक के वाइब्रेशन का अपना अपना दायरा है। ये वाइब्रेशन का दायरा अभी संगम पर तैयार होता है। हर एक आत्मा एक बैटरी है, कोई में कम पावर है कोई में ज्यादा पावर है। तो प्रकृति को पावन बनाने की पावर भी हरेक की अपनी अपनी है। हरेक सितारे में अपनी अपनी दुनिया है, चौरासी जन्मों में जितनी जितनी आत्माओं के संसर्ग संपर्क और संबंध में आए होंगे वो सारी उनकी दुनिया हो जाती है। सारी दुनिया को वो सितारा लपेट में लेकर के रहता है। जब संपन्न स्टेज पाता है तब तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी स्टेज है।
प्रकृति को पावन बनाने की। सब मिलकर के समूची प्रकृति को पावन बनावेंगे। जो जितना करेगा उतना प्रकृतिपति बनेगा। प्रकृति को प्रकृति के पांच तत्वों को कंट्रोल करने वाला बनेगा। अभी तो प्रकृति कंट्रोल से पूरी बाहर है। प्रकृति का वार हम किचड़े वाली आत्माओं के ऊपर होता ही रहता है, क्योंकि आत्मा को जो एकाग्र स्टेज प्राप्त करनी चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं की। फिर संपन्न स्टेज आखिरी बनेगी नंबर वार। तो जो जो उस संपन्न स्टेज पर पहुंचते जावेंगे प्रकृति के पांच तत्वों का वार उनके ऊपर नहीं होगा, उनके लिए प्रकृति भी सात्विक बन जाएगी। अभी तो वार करती रहती है। जैन ग्रंथों में आया है कि जिनेंद्र जी महाराज, जिनेंद्र भगवान जब सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ था तो जहां जहां भी जाते थे अकाल खत्म हो जाता था, बरसात होने लगती थी। ये किस बात का प्रभाव दिखाया? उनकी आत्मा की संपन्नता की स्टेज देखने में आती है। वो चलन और एक्टिविटी से प्रकृति भी प्रभावित हो जाती है। मानवीय प्रकृति के आधार पर वो जड़ प्रकृति भी काम करती है। मानवीय संस्कार स्वभाव सुधरते जाते हैं तो जड़ प्रकृति भी सुधरती जाती है। परंतु पूरा सुधार तो सारी पृथ्वी पर तब होगा जब दुनिया की ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहने वाली तमो प्रधान आत्माओं का खात्मा हो जाएगा शरीर के द्वारा। सजाएं खा करके आत्माएं आत्मा बन जावेंगी। उनका देहबान टूट जाएगा। थोड़े से बाप के बच्चे आत्मिक स्टेज को धारण करने वाले रह जाएंगे इस सृष्टि पर, तब प्रकृति सत्व प्रधान बनेगी। अभी तो हाल हुजूम की दुनिया का असर पड़ता रहता है। प्रकृति सामूहिक रूप से और ही तमो प्रधान बनती जाती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जैसी महातमो प्रधान आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती चली जा रही है। तमो प्रधान की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
इसलिए सात्विक प्रकृति का हमें दर्शन नहीं होता। और आज का जो पार्ट है आदि का जो पार्ट जो आदि में चला था यज्ञ के आदि में जो पार्ट चला हाँ अंत में चलेगा। हाँ हाँ आदमी तो राम बाप फेल हो गए हैं। आदमी तो राम बाप फेल हो गए। हाँ आदि में राम फेल हो गया अंत में भी राम फेल होगा तो राम रावण बन जाएगा। इंतजार कर रहे हैं बनेगा। और बाबा सीन के चित्र में है कलयुग के आदमी एक वृक्ष के नीचे एक माता जी पूजा कर रही हैं और एक भाई अग्नि को उंगली दिखा रहे हैं। भाई के चित्र में सीढ़ी के चित्र में कलयुग के आदमी वृक्ष के नीचे एक माता जी पूजा कर रही हैं और एक भाई अग्नि को उंगली दिखा रहे हैं। हाँ जड़ तत्वों की भी पूजा दिखाई गई। वही जड़ तत्वों की पूजा दिखाई गई है। जो जड़ तत्व हैं कौन की भी पूजा करने लग पड़ते हैं क्योंकि परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया है। अभी घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय का पाठ चल रहा है। अभी वर्तमान में घड़ी घड़ी बच्चों में निश्चय और अनिश्चय का पाठ चल रहा है। हाँ जी तो जब अनिश्चय आ रहा है तो क्या जो पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे तो अनिश्चय आने के बाद जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो रहा है तो क्या उसका विनाश होता जा रहा है। उसे निश्चय बुद्धि जयंती बच्चा मर गया अनिश्चय बुद्धि हो गया तो विनश्यते होगा ना। वो उल्टे काम करेगा या सीधे काम करेगा श्रीमत के बरखिलाफ काम करेगा या मनुष्य मत और मनमत के आधार पर काम करेगा अनिश्चय बुद्धि होने के बाद। हाँ उसकी ही बात है। एक संकल्प में अनिश्चय बुद्धि होते हैं एक वाचा में अनिश्चय बुद्धि होते हैं एक कर्मेंद्रियों से भी अनिश्चय बुद्धि हो पड़ते हैं। मनसा का असर कम पड़ता है पाप उतना नहीं बनता वाचा का उससे ज्यादा बनता है और कर्मेंद्रियों से पाप करने का पूरा असर पड़ता है। और पवित्र बन रहे हैं और कोई कोई बने भी हैं तो मैं सोचा कि कुंडली में आया है कि और पवित्र दुनिया में एक भी पवित्र नहीं होते हैं। माना कोई संकल्पों से पवित्र नहीं बने वाचा को कंट्रोल कर लिया है कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। मन जो ग्यारहवीं इंद्रिय है वो अभी भी कंट्रोल से बाहर है। हाँ बल बल माने वाचा से और कर्मेंद्रियों से बन गए हैं। मनसा के ऊपर कंट्रोल किसी ने नहीं किया है। मन ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा अभी तक संपूर्ण नहीं बना है। एक आत्मा के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित ही रहते हैं। इसलिए मनसा के आधार पर अगर देखा जाए तो सारी दुनिया पतितों की है या पावन की है पतितों की है। पतित दुनिया में सब पतित हैं।
बड़े से बड़े सन्यासी, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, चेहरा चमकता हुआ, माथा दमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ब्रह्मचर्य का तेज झलकता है, वाचा सुनकर के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मनसा, मनसा को कोई नहीं कंट्रोल कर पाते। ये मनसा को कंट्रोल करने का राजयोग आज तक कोई ने नहीं सिखाया। शरीर की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं, आसन करना सिखाते हैं, प्राणायाम करना सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया किसी के पास नहीं। ये बाप ही आकर के बताते हैं कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, तो मन बुद्धि को एकाग्र बनाओ। इसलिए बोला कि मुख से बाबा बाबा कहने से भी कोई फायदा नहीं है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है। बिंदी आत्मा को ही मन बुद्धि कहा जाता है। और अमेरिका अखंड नहीं था, 500 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था। मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, ऐसे समुद्र से ऊपर आ गया होगा, लेकिन मनुष्य की जानकारी में नहीं था। दुनिया उसके 500 वर्ष पहले संपर्क में आई उस महादेव से। हाँ, जो वहाँ पर पहले से मनुष्य थे वो भारत से अपना छोटा मोटा जहाज लेकर के निकले, तो वो रास्ता भूल गए, और जो रास्ता भूल गए वो चलते चले गए, कहीं तो जाके ठिकाने लगेंगे, तो अमेरिका के किनारा मिल गया, वहाँ बस गए। उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है वो इंडिया से गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका 5000 वर्ष पहले से चली आ रही है या 2500 वर्ष पहले से चली आ रही है, नहीं। यह पृथ्वी जो है उसका नाम ही पृथ्वी इसलिए पड़ता है, पृथ्व्यात विस्तार को पाती चली जाती है। पहले पृथ्वी का रूप छोटा सा था, कन्याकुमारी थी, बाद में वो जगदम्बा बनती है, विस्तार को पाती चली जाती है। जैसे जैसे धर्म आते जाते हैं वैसे वैसे वो महाद्वीप समंदर से ऊपर आते जाते हैं, ताकि उन महाद्वीपों में वो जनसंख्या फैल सके। जरूर पहले पहले अरब देश आते होंगे, मिस्र अफ्रीका आदि आए होंगे, बाद में यूरोपीय देश आए होंगे, बौद्धि जापान वगैरह, चीन वगैरह, ये समुद्र तल से ऊपर आए। तो जैसे जैसे दुनिया की जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे पृथ्वी का विस्तार होता जाता है, नहीं तो पहले इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था, जम्बूद्वीप था। द्वापर युग के आदि से जब विनाश हुआ तो ये महाद्वीप धीरे धीरे ऊपर आने लगे, और पृथ्वी विस्तार को पाने लगी। और बाबा जी हम सारों की यह बात की रेड इंडियन 10000 वर्ष पहले से थी, तो या दूसरी बात कई हजार वर्ष पहले
10-20 हजार वर्ष पहले। वो कौन बताता है? इतिहासकार मनुष्य है या देवता है, भगवान है? हाँ तो गलत मान लिया तो बैठ जाओ। किस जानकारी? जीवाश्म विज्ञान के आधार पे कुछ ऐसे ऐसे जंत दबे हुए मिलते हैं कि कहा जाता है कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर थे। डायनासोर जबकि 5000 वर्ष का चक्र है और जो की जो रिपीट होती है तो 5000 वर्ष पहले थे यानी अगले चक्र में नहीं आए। ये कैलकुलेशन किसने निकाला, मनुष्यों ने निकाला या आपने निकाला? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। आप वैज्ञानिकों को आप भगवान क्यों समझ रहे हैं? वैज्ञानिकों के तौर तरीकों को आपने नापा, आपने तौला तो गलत साबित करो। जब आप वो तर्क हमें दें इस तरीके से ये बात सत्य है तब हम मानेंगे। ऐसे कैसे मान लें? डार्विन थ्योरी निकलती है वैज्ञानिकों के द्वारा, मनुष्य बंदर था, बाद में वैज्ञानिकों ने उसको झूठा साबित कर दिया। लेकिन जीव जो दबे हुए मिले हैं, अरे जीव जो दबे हुए मिले हैं उनका कैलकुलेशन हड्डियों का गलत है। वो कैलकुलेशन उनका रांग है भाई। हाँ तो वो 2500 वर्ष पुराने हैं, लाखों वर्ष पुराने नहीं हड्डी है वो। और नहीं तो आप हमें साबित करके दिखाओ। आप दूसरों की कई ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हमने भगवान को पहचाना है, भगवान की बात पर विश्वास करते हैं। अगर भगवान की बात पर कोई संशय पैदा होता है तो हम आपको शास्त्रों से क्लियर करके समझा सकते हैं, युक्तियों से क्लियर करके समझाएंगे। लेकिन आप जो बात जिनकी मान ली है, जिन मनुष्यों की बातों को आपने मान लिया है, आपने उन मनुष्यों से जाकर के पूछा ये किस तरह आपने कैलकुलेशन निकाला? नहीं निकाला ना। आप मेहनत नहीं करना चाहते, वो आपकी बुद्धि को घुमाए लेते हैं तो आप उन्हीं की प्रजा बनेंगे ना। क्या फर्क है? जिज्ञासा। आपने भगवान को मान लिया तो भगवान की बात सत्य। 2500 पहले डायनासोर थे, 2500 साल पहले डायनासोर थे, बस इससे पुरानी उनकी जो कैलकुलेशन निकाला गया है वो रंग है। त्रेता के अंत में, हाँ त्रेता के अंत। और बाबा राम का 14 वर्ष बनवास हुआ, 14वें वर्ष में रावण को समाप्त कर दिए। बाप का भी 18वें वर्ष में बनवास हुआ, क्या 2012 में रावण समाप्त हो जाएगा? बाप का क्या हुआ? बाप का भी 18वें वर्ष में बनवास युक्त हुआ, क्या 2012 में रावण समाप्त हो जाएगा? बाप के लिए समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए भी समाप्त हो जाएगा। अगर बाप के लिए समाप्त हो गया आपके लिए तो नहीं हो जाएगा, तो आप कैसे जानेंगे बाप का समाप्त हो गया? एक आत्मा के लिए वो वनवास का टाइम पूरा हो गया, 5 पांडवों के लिए 13 वर्ष का टाइम समाप्त हो गया, माया सभ्यता वालों के लिए 2012 का टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम तो मेल खाता है। तो मानना पड़ेगा, बाकी सब के लिए नहीं। हमारा पुण्य यही था सबके लिए है, हमने यही सोचा सबके लिए रावण समाप्त हो जाएगा। हर एक के अंदर रावण भरा पड़ा है, रावण कोई अलग से नहीं है। तो राम वाली आत्मा के लिए अंदर भी कहेंगे कि रावण है। पहले पहले एक के अंदर समाप्त हो, फिर उसके साथ जुड़ी हुई और 4-5 आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के मुख दिखाई जाती हैं।
उनका भी नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा? जब उन सबका नंबर पूरा हो जाए, जो भी अनेक ब्रह्मा बताए गए हैं, तो ब्रह्मा सु विष्णु बने, तब प्रत्यक्षता होगी। उससे पहले गुप्त ही रहेगा। प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। हैं? जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाएंगी, तो जब बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। राम के लिए खत्म हो गया, दुनिया के लिए तो नहीं खत्म हो गया। फिर कैसे रावण बन गया? रावण तो खत्म हो गया राम के अंदर। फिर कैसे रावण बन गया? ये एक्ट होती है, शूटिंग होती है, शूटिंग करनी पड़ती है। ये सिर्फ कहा जाता है, ऐसे नहीं है कि सन 76 से पहले राम वाली आत्मा निश्चय बुद्धि नहीं थी। सन 76 से पहले अनिश्चय बुद्धि थी, सन 76 के बाद अनिश्चय बुद्धि नहीं होती है। तो कहने की बात है और समझने की बात है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, एक आत्मा अटल रहेगी। तो वो तो पहले से ही राम है, बाकी पार्ट बजाना पड़ता है। चारों अवस्थाओं की शूटिंग राम जैसी आत्माओं के लिए सन 76 तक ही पूरी हो जाती है। चार अवस्थाओं से पसार हो जाती है वो आत्माएं। सन 36 में तमो प्रधान थी, 76 में सतो प्रधान हो जाती है। तब मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। तो आप तो तब की बात कर रहे हैं, हम तो सन 76 की ही बात कर रहे हैं। 76 से ही सतो प्रधान बन गई। लेकिन प्रैक्टिकल में दुनिया खत्म नहीं हो गई, और प्रैक्टिकल में नई दुनिया नहीं बन गई सन 76 में। ये सिर्फ मनसा के अंदर की बात है। 2036 में प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और प्रैक्टिकल में स्थापना हो जाएगी। 9,16,108 आत्माएं संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएंगी। तो अति होती है तब अंत होता है। जो नंबर वार आत्माएं हैं वो अति नहीं कर पाएंगी, जो अव्वल नंबर है वो ही अति करेगी। इसलिए बोला है, बाप आए हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए। वो रहम जितना करेंगे उतना बच्चे फॉलो करते जाएंगे, रहम न करें तो बच्चे फॉलो भी नहीं करेंगे। ना आती होगी और ना अंत होगा। ये राज है, इसलिए इसका नाम दिया है राजयोग। तो अभी जो 2004 से जो चल रहा है शूटिंग, 2004 से 10 साल का हुआ है ना, तो 14 में जाकर के यही स्कीम है यही होगा क्या? स्कीम खराब होगी।
वो रिपीटेशन नहीं होता है हा? होता है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध अवश्य संभावी है या नहीं है, है? है? महाभारी महाभारत युद्ध को बताया हुआ है, ये किस समय है क्या? वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया में 18 दिन लड़ाई ऐसी चलती है जो सारा बारह न्यारा हो जाएगा और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा 18 अक्षौणी के बीच में। नहीं तो पहले तो बाप के ऊपर निश्चय करने वाले सिर्फ 5 पांडव होते हैं, उंगलियों पर गिने जाने योग्य, जिनकी संख्या बढ़कर के 7 अक्षौणी हो जाती है। और जब वो 7 अक्षौणी विजय पा लेते हैं तो 18 अक्षौणी सबको संदेश मिल जाएगा। एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो राम बाप को न माने, गॉड फादर को न पहचाने, पुरुषार्थ नंबर बार रहेगा। बुलाने वाला होता है और कष्ट देने वाला, उसके बारे में सभी माता भाई को सबको जानकारी है, उसके अंदर नाभि में अमृत है, लेकिन अमृत पहला हुआ था बाबा की है? उसके अंदर जो अमृत आया था नाभि में, हाँ जी, वह पैदाइशी हुआ था कि बाद में हुआ था बाबा? सीता उसने कब चुराई? सीता पैदाइशी चुराई या बाद में चुराई? जब चुराई तब उसकी बुद्धि में वो पवित्र आत्मा बैठ गई, वो ही नाभि का अमृत है। अमृत पवित्रता को कहा जाता है, वो प्योरिटी उसकी नाभि में बैठी हुई है, जिसका कनेक्शन 16,000 नस नाड़ियों से है। इसलिए बाबा बोलते हैं विजयमाला का आवाहन करो, याद में जौहर भरा हुआ होना चाहिए, तब तीर लगेगा, नहीं तो सफलता होने वाली नहीं है। रावण मरने वाला नहीं है, महाभारत में श्री कृष्ण ने प्रॉब्लम दिखाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लकड़ी का पहिया वो हथियार होता है? है? अरे लकड़ी का पहिया कोई हथियार होता है क्या? तो उन्होंने जो कहा सो किया। ये लक्कड़ बुद्धि है, कोई लक्कड़ बुद्धि आत्मा है जो तीव्रता से ज्ञान का चक्र घुमाने में सिद्ध हस्त है, वो है महाकाली, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वो तीसरे नेत्र वाली कठबुद्धि है, तीव्र बुद्धि नहीं है। तीव्र बुद्धि होती तो बाप को पहचानने के बाद
बाप को नहीं छोड़ती। इसलिए मुरली में बोला है मेरे को पहचानने वाले बच्चे मेरे को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। उसकी बुद्धि को घुमाया है, वो ज्ञान के चक्र से वो पहिया घूमता है। अपने आप नहीं घूमता है, और सबके गले असुरों के कट जाते हैं। माँ काली किसी असुर को छोड़ेगी है? छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। इस उंगली का नाम तर्जनी उंगली कहा जाता है। ए? ये तर्जना है, एक एक को पकड़ लेती है। एक एक का देह अभिमान रूपी गला काट देती है। आत्मा अलग हो जाती है। ये मुंडी में आत्मा है ना, ज्ञानेन्द्रियां भी हैं, जिनका सीधा कनेक्शन आत्मा से है। वो आत्मा अलग हो जाती है, देह अभिमान अलग हो जाता है। हम लोग बुढ़े हो गए, कहीं जा नहीं सकते, हमारा पैर टूट गया, हम लोग क्लास कैसे गए? ट्रेन जाएगी, आप मत जाइए। ट्रेन जाएगी, रिक्शा जाएगा, फोर व्हीलर जाएगा, टू व्हीलर जाएगा, नौकर ले जाएगा। पैसे खर्च करो, दबा के क्यों बैठे हुए? हाँ जी, जुगल है घर पर, नहीं कर सकते। जुगल है घर पर, अपने घर पास नहीं कर सकते। जितना कायदा उतना फायदा। जुगल है, आप भी बूढ़े, जुगल भी बूढ़ी, दोनों जाकर के आश्रम में बैठ जाओ, कोई मना करता है? प्रॉपर्टी को बगल में दबा के रखना, छीनेगा थोड़े ही कोई। हाँ जी, दिल्ली में आया, जिसके नाम है दिल्ली में आया। हाँ, नाम गुरताज कम है, गुरताज कम के चंद्रवंशी। ये क्या आज की बात थी है? राम चंद्रवंशी। हाँ, राम चंद्रवंशी में चला गया। आज की बात हाँ, छिहत्तर के बाद है। हाँ, वो तो आज की बात, चला गया माने पास्ट है या वर्तमान है या फ्यूचर है? पास्ट की बात है, पास्ट के लिए बोला। राम फेल हो गया, राम फेल हो रहा है, राम फेल हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोला। और क्या राम ही फेल होता है? 500 700 करोड़ आत्माएं फेल नहीं होती हैं? है? अरे होती हैं कि नहीं? सभी फेल होते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। और हमारे लौकिक कुछ जो सनातन है उनके द्वारा हम लोग वाणी सुनते थे, सनातन भाई के द्वारा। हाँ, उनके द्वारा गीता पाठशाला का मान्यता भी था। हाँ, वो शहर में चले आए तो हम बूढ़ी बूढ़ा क्या करें? बूढ़ी बूढ़ा के कोई बाल बच्चे नहीं है? वही के सनातन के बच्चे थे। अच्छा, वो बच्चे थे, वो अलग हो गए, वो तो शहर में चले आए। हाँ, घर के बॉर्डर के घर
शहर में चले आए। हाँ, और लड़के ज्ञान में एक चलता बड़ा तो गुजरात में है। वो गुजरात में चला गया। हाँ, उसके बच्चे हैं। हाँ, उसके बच्चे हैं। हाँ, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। हाँ, हम दोनों हैं बूढ़े बूढ़े, वही पूछते हैं। तो जिसके बच्चे हैं उसके मत्थे मड़ो, तुम काहे के पाल रहे हो? खुद स्वतंत्र हो जाओ, डब्बा टोबर उठाओ, मकान बेचो, चाहे जहाँ चले जाओ। घर नहीं छोड़ेंगे क्या? तीन दिन खाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। अब तो फिर मोह के लिए क्या किया जाए? मोह का तो कोई इलाज ही नहीं है। और हाँ जी बाबा, हाँ जी, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पूरी तरह पूरी तरह सतो प्रधान बनाएंगे? वो 9 लाख आत्माएं सतो प्रधान बनाने वाली नहीं है। जो खुद बनेंगे वो दूसरों को भी बनाएंगे। खुद 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? पहले खुद का सुधार, फिर पर प्रकृति का सुधार। प्रकृति पर है, आत्मा स्व है। प्रकृति को सुधारने का नंबर बाद में, आत्मा को सुधारने का नंबर पहले। तो कितनी आत्माएं हैं जो 16 कला संपूर्ण बनती हैं? है 9 लाख है। और बाबा कहीं 9 लाख और कहीं 9 लाख 16,108। नहीं नहीं, 9 लाख के साथ 16,108 तो जुड़े ही हुए हैं। बोलने में कहा जाता है 9 लाख, 1,000, 16,000, 100, लेकिन वास्तव में वो 100 की गिनती भी कंप्लीट तब होगी जब 8 जुड़े। वो 8 100 में भी जुड़े हुए हैं, वो 108 16,000 में भी जुड़े हुए हैं, और वो 9 लाख में भी जुड़े हुए हैं। पहले जन्म की कंप्लीट जनसंख्या होगी 9,16,108। अजी धर्म पिताएं कौन से ऊपर से आने वाले? वो कहां से होंगे? वो तो स्वर्ग में ही नहीं आते हैं, उनकी माला अलग बनेगी। वो अपनी माला अलग बनाते हैं, वो अपने धर्म के प्रजापिता हैं। ज्ञान में तो सारी दुनिया आएगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी। 2036 तक 500-700 करोड़ की ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो भगवान बाप को न माने, गॉड फादर को न पहचाने। सबको संदेश मिलना है और सबको स्वीकार करना है, क्योंकि सबको बाप से वर्षा मिलता है। ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसको नंबर वार मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप से वर्षा न मिलता हो। बाप को पहचानेंगे नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? नेता के रूप में आएंगे हैं, क्रिश्चियन वाले पोप के रूप में, मुस्लिम धार्मिक नेता के रूप में हैं, तो इसी रूप में आएंगे? कोई भी रूप में आए, मनुष्य रूप में ही आए। यूं एक साथ नहीं होगा। पहले धर्म पिताएं माथा नवाबेंगे, पहचानेंगे, बाद में जाके सेवा करेंगे अपने धर्म खंड में।
इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे ऊपर से नीचे उतरे हैं और उनके पीछे पीछे हुजूम आया है नंबरवार, उसी तरीके से नंबरवार बाप को पहचानेंगे। ऐसे नहीं धर्म पिता पहचानेगा तो सब एक साथ पहचान जाएंगे। उन धर्म पिताओं को भी अपने धर्म खंड में सेवा करनी पड़ेगी। बाबा अपनी जनरेशन को निकालना पड़ेगा। बाबा मुझे भी कहना था कि कोई भी अतिथि अपने घर आता है, चाहे जो भी हो, कोई भी अतिथि अपने घर आता है तो उसको पहले आप सेवा सत्कार करिए, भोजन पानी दीजिए और फिर तब बात में करना चाहिए। कोई भी आए बाबा, ब्राह्मण परिवार ही खाली आए सभी के लिए ऐसा कहे। रोटी दाल तो सबको चाहिए, ऐसा कौन है जिसको रोटी दाल नहीं चाहिए? ज्ञान चाहिए सिर्फ। रोटी दाल मिलेगी तो ज्ञान मिलेगा, रोटी दाल ही नहीं मिलेगी तो ज्ञान कहाँ से ले लेगा। है घर में मुरली नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? है तो कोई बात नहीं, और जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। मुसलमान धर्म में कहते हैं घर में बैठ करके नमाज पढ़ लो तो एक गुना फायदा होगा। फायदा तो होगा, मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे तो 10 गुना फायदा होगा, जामा मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे तो 100 गुना फायदा होगा, अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1000 गुना फायदा होगा, और काबा में जाकर के पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना फायदा होगा। हे भगवान बाबा, ये भक्ति मार्ग में सावन के महीने में सब लोग जल चढ़ाने जाते हैं कांवर लेकर और गेरुआ वस्त्र पहन के, उसका बेहद का अर्थ क्या होगा? वो यादगार मनाते हैं भगत लोग श्रवण कुमार की। कोई श्रवण कुमार हुआ है ब्राह्मण ऐसा जिसने अपने अंधे माँ बाप को कंधों पर बिठा करके सारे तीर्थों के चक्कर लगाए हैं संगम युग में? वो श्रवण कुमार का पता नहीं चला आपको? ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप पहले पहले कौन है? जिनको बाप दिखाई नहीं पड़ा, यज्ञ के आदि में भी नहीं दिखाई पड़ा और अभी भी नहीं दिखाई पड़ता है, वो अभी भी यही माने बैठे हैं गीता का भगवान है, साकार कृष्ण के रूप में मैं ही हूँ। गीता का और कोई साकार भगवान नहीं हो सकता। वो अंधे माँ बाप उसके कंधों पे चढ़े बैठे हैं श्रवण कुमार के, उनको लेकर के वो देश देशांतर में चक्कर काटता है तीर्थों पर, ढेर के ढेर तीर्थ हैं। जितने देवताएं हैं उतने तीर्थ हैं। उन देवताओं ने जहां बैठ करके तपस्या की है वो तपस्या धाम उनके मंदिर है, तीर्थ स्थान है। तो भक्त लोग श्रवण कुमार को फॉलो कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने भी जल भरा होगा, कौन सा जल भरा? ज्ञान जल भरा होगा।
बाबा अंधे माँ बाप तो माँ तो हुए ब्रह्मा, बाप तो ज्ञान में नहीं रहा है, वही कंधे पर। तुम्हारी माताएं भी दो हैं, बड़ी माँ भी है तो छोटी माँ भी है। माँ ही तो हुए बाप की, वो ब्रह्मा बाप भी कहा है, उसको बाप का टाइटल भी मिला, क्योंकि वो बाप को भूल गया तो खुद ही बाप बन बैठा। शिवो हम। और शिव बाबा धरती पर आए, धरती पर आए, शिव बाबा धरती पर आए, धरती पर आए, सबसे नारी मुक्ति आजाद और हस्ती घर साफ साफ दिख रहा है। हाँ, गरीबों की भी पूछ है, उनके साथ उनको भी न्याय मिलने लगा है। हाँ, लेकिन कृषि किसान और कृषि आधारित लोग जो है, हाँ, उनके साथ अभी उनको न्याय और उनके न्याय नहीं मिला, उनका उत्पीड़न अभी भी जारी है। अच्छा, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान की खेती करने वाले ये सब बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में इन खेती करने वालों को कोई पूछता है? ये घाटे में जा रहे हैं, ये फायदे में जा रहे हैं। अब भगवान बाप आया हुआ है तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तुम धीरज नहीं धरते हो तो डायनासोर में चले जाते हो। थोड़ा धीरज धरो, अभी टाइम खत्म थोड़ा ही हो गया है। बाबा, जो द्वापर कलयुग में धर्म की गाय आएंगे, उनके साथ साथ उनके धर्म उनके फॉलोअर भी आएंगे। हाँ जी, उनको जन्म देने वाले विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? कमाल है। कीचड़ में जाके कीचड़ मिलता है, दूध में जाके दूध मिलता है, मक्खन में जाके मक्खन मिलेगा। तो जिस कोटि के धर्म पिताएं होंगे उसी कोटि के नारायण में प्रवेश करेंगे, न कि सोलह कला में ही सबको प्रवेश करना है। नारायण कम पुरुषार्थ वाले भी हैं और ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करने वाले भी नारायण हैं। इसलिए बताया, ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में आना पड़े। 33 करोड़ देवताएं हैं तो 33 करोड़ मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी समझो। उन 33 करोड़ देव आत्माओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। ये देव आत्मा ही सबसे ज्यादा नीचे गिरती है, सबसे ज्यादा पतित बनती है। कोई पहले पतित बन जाते हैं 100%, जैसे इब्राहिम का आधार, कोई बाद में 100% पतित बनता है जैसे प्रजापिता। तो नियम बना हुआ है कि जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचे पाठधारी में प्रवेश करेगा। और बाबा, ये जितने कांवड़िए लोग हैं सब जाते हैं जज नहाने, तो वहाँ तो शिवलिंग है, तो शिव का नाम कोई लेके नहीं जाता, कहते हैं बोलबम बोलबम। तो बोलबम का मतलब बाबा क्या होता है? क्योंकि जो कांवड़िया जाते हैं वो कंधे पर क्या जिम्मेवारी लेके जाते हैं? हाँ, जिम्मेवारी कौन सी उठाते हैं? ज्ञान का जल जाते हैं। हाँ, ज्ञान का जल तो लेके जाते हैं,
लेकिन कंधों पर कुछ वजन रखा हुआ है। अरे अरे कौन से घड़े हैं वो बुद्ध रूपी? उन बुद्ध रूपी आत्माओं के घड़ों के नाम हैं कि नहीं है? मम्मा और बाबा। उन मम्मा और बाबा रूपी बुद्ध रूपी घड़ों में ज्ञान जल भरते हैं और ले जाते हैं शिवलिंग पर। शिव को याद नहीं करते हैं, वो जानते हैं जब इनकी बुद्धि में ज्ञान जल काम कर जाएगा, वो ज्ञान जल जब शिव के ऊपर अर्पण हो जाएगा तो यही आत्माएं बम बम का काम करेंगी। हर हर बम बम है? अरे सर्दियां है सतयुग त्रेता, गर्मी है द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म रहते हैं। सतयुग त्रेता में दिमाग ठंडे रहते हैं और संगम युग है श्रावण का महीना, बरसात का टाइम, ज्ञान बरसात होती है। उस ज्ञान बरसात में भी जब रिमझिम लगी रहती है तब कांवड़िया ज्ञान जल भरते हैं। लगातार ज्ञान जल की बरसात होनी चाहिए, जैसे निरंतर याद से परिवर्तन होता है वैसे निरंतर ज्ञान जल की बरसात चाहिए। तो कांवड़िया भी बरसात में श्रावण के महीने में ज्ञान जल भरते हैं। और हाँ चर्चा ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। ज्ञान की चर्चा करते हैं, जो ज्ञान की चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल में बाप को उतना याद नहीं करते, पहचानते नहीं है, वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाले चर्च बनाने वाले हैं। उन चर्चा करने वालों की यादगार है बना है चर्च। वो सिर्फ ज्ञान ध्यान की चर्चाएं करते हैं, भले उन चर्चाओं में ग्लानी भी भरी हुई हो हिंदू धर्म की। यहूदियों की चर्चा तो है ना, वो चर्चा करने वाले दुनिया को चरमरा के खत्म कर देते हैं एटम बम बना के। चर्चा करने से उतना फायदा नहीं है, मंथन करने से फायदा है। मंथन करें और सार निकालें, उस सार को ग्रहण करें और दूसरों को कराएं, उससे अपना जीवन भी बनेगा और दूसरी आत्माओं का भी जीवन बनेगा, खुद भी स्वर्ग में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। नहीं तो सिर्फ चर्चा करने वाले दुनिया का ध्वंस करने के निमित्त बनते हैं। और बने बनाए घर को गिराते हैं उनको क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को, तो कौन सा बना बनाया घर है उसको गिराते हैं जैसे क्रिश्चियन धर्म? क्रिश्चियंस में
इबादत का स्थान बनाते हैं उसका नाम देते हैं गिरजाघर। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, तो वो तो सिर्फ भक्त लोग हैं जो संगम युग में प्रैक्टिकल हुआ है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तविक बात संगम युग की है। संगम युग में चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, दोनों में ही भगवान का घर बनाने वाले भी हैं और गिराने वाले भी हैं। जैसे एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो ब्रह्मा के चार मानस पुत्र बताए गए, चार बीज रूप आत्माएं। कोई देवता धर्म का बीज है, कोई बौद्ध धर्म का बीज, कोई इस्लाम धर्म का बीज, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो जो क्रिश्चियन धर्म का बीज है वो भगवान के बने बनाए घर को गिराने का कार्य करता है, और राम वाली आत्मा बनाने का काम करती है। आदि में झाड़ छोटा होता है तो माया के तूफान ज्यादा लगने से घर गिर जाता है, वो यादगार बन जाती है, गिर जा घर। ऐसे ही मुसलमानों में मस्जिद बनती है, जिद करने वाली मिस। वो अपनी जिद के आधार पर विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। तो मुसलमानों ने दीवार खड़ी करके उसका नाम मस्जिद रख दिया। क्रिश्चियंस ने उसका नाम गिरजाघर रख दिया। क्रिश्चियन धर्म का फाउंडेशन ही तब पड़ता है जब क्रिश्चियंस हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं ग्लानी कर करके। ग्लानी करते जाओ और भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ते जाओ। सन 47 से लेकर के 18 जनवरी 1908 तक चलाते ही रहे रेगुलर। अमृत वेले भी चलाई और रात्रि क्लास भी किए। अब काउंट कर लो, लेकिन उस वेदवाणी को ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद को दूसरे धर्म की आत्माएं जो ब्रह्मा की गोद में पलती हैं उनको उसका महत्व तो नहीं होता है, इसलिए वो उस वाणी का संग्रह नहीं करती है, बर्बाद कर देती है। जैसे भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है, मुसलमानों ने भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ों में भून दिया,
उखाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। इसकी शूटिंग यहां चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में। बड़ी मुश्किल से 5 साल की वाणियां एकत्र हुई हैं, जो रिवाइज मुरली के रूप में चलती रहती है। उनमें भी ओरिजिनलिटी नहीं है। जहां चाहा वहां एक एक पेज भी काट दिया, महावाक्य के महावाक्य उड़ा दिए। जब से एडवांस ज्ञान निकला उसके बाद से बाबा की वाणी का पक्का प्रूफ टैप रिकॉर्ड, उसमें टैप की हुई वाणियां, वो टैप ही गायब हो गए। फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म की भी तो आत्माएं हैं। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले चंद्रवंशी भी तो हैं। उन्होंने गीता पाठशालाओं से उन वाणियों का टाइम पर संग्रह हो जाएगा और वो सच्चाई बाहर आ जाएगी। और पति ज्ञान में चलते हैं, हम चलते हैं सेवा करने खातिर के मूल्य सुना सकते हैं। किसको सुनाना है? जैसे सेवा करे है जो माता आने वाले हैं उनको सुनाओ। तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो गलत काहे के लिए? उनको सेवा करो। हाँ करो करो। ओम शांति।